हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने कोई फाइल बनाई है पाइथन पर और उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं ओपन की मदद से और केवल उसको रीड करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर होगा, कैसे हम ये करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले पाइथन की आईडी ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर पाइथन की आईडी आ गई है, इसको हम कर लेते हैं ओपन। और यहां पर एक बनाएंगे हम फाइल, ठीक है, जो कि टेक्स्ट फाइल होगी। कैसी फाइल होगी? टेक्स्ट फाइल। तो ये आ गए हैं हम, और यहां पर कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे हेलो वी आर गोइंग टू लर्न पाइथन, ठीक है। तो ये मैंने टाइप किया और इसको हम सेव करेंगे एज अ टेक्स्ट फाइल। एज अ टेक्स्ट फाइल कैसे सेव करेंगे? यहां पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन होगी। यहां पर आकर के इसको टेक्स्ट बना दीजिए, एंटर किया, यहां पर आर लिख करके और एज अ टेक्स्ट फाइल इसको सेव कर दिया हमने। सेव कर दिया, यहां पर आर डॉट टेक्स्ट आपको दिखाई भी दे रहा है। हम इसको क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज कर दिया। वापस से नई फाइल लेते हैं, आर डॉट टेक्स्ट के नाम से है ये, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको, सिंपल लिखना है एफ मतलब फाइल, और यहां पर ओपन करना है फाइल को, ठीक है। तो यहां पे फाइल को ओपन किया, फाइल का क्या नाम है, तो आर डॉट टीएक्सटी, यही तो नाम है फाइल का, यही तो नाम हमने दिया था, ठीक है। ये जो आर डॉट टीएक्सटी है, इसको आप डबल एडेड कॉमा या सिंगल एडेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से डबल एडेड कॉमा या सिंगल एडेड कॉमा में इसे लिख लीजिए, और लिखने के बाद क्या करना है, यहां पर चूंकि हम केवल इसको रीड करना चाहते हैं, तो यहां पर दे दिया आर, ब्रैकेट को क्लोज किया, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर हम डाटा नाम से बना लेते हैं या किसी भी एक नाम से, अब ये डाटा ही नहीं, हम अपना भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे वैल्यू के नाम से बना देता हूँ। वैल्यू, वैल्यू लिखा हमने, वैल्यू लिखने के बाद इज इक्वल टू लगाया, और इज इक्वल टू लगाने के बाद क्या करेंगे, यहां पर दे देंगे हम एफ यानी फाइल डॉट रीड, यानी कि फाइल को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फंक्शन की बात हो रही है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर प्रिंट करवा देंगे, तो ये प्रिंट लिखा हमने और वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। वैल्यू यहां पे वैल्यू भी तो लिया है, तो बस वैल्यू को करवा देना है प्रिंट बाई, यही नाम दे देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेव कर लिया हमने और यहां पर इसको रन करवा लेते हैं। जैसे ही रन करवाएंगे तो आप देखेंगे हेलो वी आर गोइंग टू लर्न पाइथन, ये आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि उस फाइल को आपने एक्सेस किया जो कि एक टेक्स्ट फाइल है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।